Hey everyone, this is Lisha here and you are watching my YouTube channel English Educational Hub. Today in this video, I am going to discuss the topic, the introduction part I have already discussed in my last video, and in this video I am going to discuss the unit 1 or the first story of Steve Jobs. The unit 1 I am going to discuss in this video of Stay Hungry and Stay Foolish story. Okay, आज ये वीडियो में हम जो स्टे हंग्री स्टे फूलिश जो स्टोरी है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ डिस्कस लास्ट वीडियो में, तो आज इस वीडियो में मैं उसका जो यूनिट 1 है वो डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि स्टीव जॉब्स का पहला स्टोरी है. इज अबाउट द बर्थ, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन. स्टीव जॉब्स का जो जन्म, उनका लालन पालन और उनकी शिक्षा के बारे में ये वाली वीडियो, मतलब ये जो पहला यूनिट है, सो आज हम यही करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, कम टू द टेक्स्ट. अभी हम टेक्स्ट शुरू करेंगे, टेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे. तो मैं आप लोग को बैकग्राउंड भी बता चुकी हूँ क्या है इसके बारे में, सारा पहला वीडियो में बता चुकी हूँ. तो यहाँ पे हम वही स्टार्ट करेंगे जो टेक्स्ट है पहले से. जो क्या होता है, जो सीन कहाँ पे चल रहा है, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहा है, जहाँ पे स्टीव जॉब्स को चीफ गेस्ट के हिसाब से बुलाया गया है. वो कन्वोकेशन सेरेमनी जो चल रहा है तब. तो कब बुलाया गया है, वो 12 जून 2005 में बुलाया गया है. ओके, तो अभी क्या होता है, वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो स्टाफ्स लोग होते हैं वो यूनिवर्सिटी के, वो लोग चीफ गेस्ट जो है स्टीव जॉब्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ आज स्टेज पे आके स्टूडेंट्स लोगों को, आज जब ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप कुछ उन लोगों को, मतलब स्पीच में कुछ बोल दीजिए, जैसे कि एक मतलब मोटिवेशनल स्टोरी या फिर कुछ इंस्पिरेशनल टाइप का आप उन लोगों को सुना दीजिए, बोल के रिक्वेस्ट किया जाता है. तो क्या करते हैं, स्टीव जॉब्स आके स्टेज में आ जाते हैं. स्टेज में आने के बाद वो क्या करते हैं, वो शुरू करते हैं अपना स्पीच शुरू करते हैं. स्पीच शुरू करने से पहले, मतलब वही तो शुरू ही कर दिए, वो बोलते हैं, पहला लाइन उनका जो होता है कि मैं आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ स्टेज पे बोलने का कुछ मौका दे रहे हो, इसलिए मैं अपने आप को सम्मानित फील कर रहा हूँ, मतलब महसूस कर रहा हूँ, बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, बोल के वो बोलते हैं. फिर क्या बोलते हैं, मैं कोई ग्रेजुएट नहीं हूँ. तो नहीं हूँ, फिर भी मैं, आप लोग ने मुझे यहाँ बुलाया, पता नहीं मैं आपके यहाँ पे, यहाँ की ग्रेजुएशन सेरेमनी जो आपकी जो चल रही है यहाँ पे, मैं बोलने के लायक हूँ भी या नहीं मुझे नहीं पता, बोल के वो बोल रहे हैं, फिर भी आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसलिए मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. और आज यहाँ मैं आप लोगों को अपने लाइफ का 3 स्टोरी बताने जा रहा हूँ, बस 3 ही स्टोरी, ज़्यादा कुछ नहीं. नट्स बिग डील बोल के, इट्स नॉट ए बिग डील बोल के बोल रहे हैं. मैं आई वॉन्ट लेट यू बोर बोल के बोल रहे, एक्चुअली बोल रहे कि मैं अपना लाइफ का बस 3 ही स्टोरी बताऊंगा और आपको बोर नहीं होने दूंगा, बोल के बोल रहे हैं. ये बोल के उनका स्पीच जो है स्टार्ट करते हैं. फिर वो बोलते हैं कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ और मैं कॉलेज छोड़ दिया. क्यों छोड़ा, मैं जो रीड कॉलेज में पढ़ रहा था वो छोड़ दिया, बीच में ही छोड़ दिया. क्यों छोड़ा, वो जानने के लिए मैं अपने जन्म से पहले मतलब डॉट्स कनेक्ट, ये जो स्टोरी है पहला वाला जो स्टोरी है उनका, जो मतलब बर्थ, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, ये वाला जो स्टोरी है ये डॉट्स कनेक्ट्स के बारे में है. इसको आप डॉट्स कनेक्ट्स भी बोल सकते हो, ये वाला स्टोरी को कनेक्टिंग डॉट्स भी बोल सकते हो, पहला वाला जो स्टोरी है. तो अभी वो शुरू करते हैं स्टोरी. तो वो बोलते हैं कि मैं जो कॉलेज छोड़ा, क्यों छोड़ा, वो आपको बताने के लिए मैं आप लोगों को अपने जन्म से पहले स्टार्ट करता हूँ. जन्म से पहले मेरे साथ क्या हुआ मैं वो स्टार्ट करता हूँ, ऐसे बोल के अपना स्पीच जो है स्टार्ट करते हैं विद दिस लाइन. ओके, देन कम टू द पॉइंट, व्हाट इज दैट. वो बोलते हैं कि उनकी जो माँ थी, उनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी, वो एक अनमेरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, वो शादीशुदा नहीं थी, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी पर शादीशुदा नहीं थी और प्रेग्नेंट थी. और ऐसे बच्चों को, मतलब ऐसे बच्चे जो होते हैं पैदा होने के बाद, उनको जो सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, इसीलिए वो जो उनकी बायोलॉजिकल मदर जो थी वो क्या चाहती थी, उनकी एडॉप्शन करवाना चाहती थी. जो उनकी जो बच्चा था उनके पेट में, वो चाहती थी कि, पहले से ही चाहती थी कि उसका कोई एडॉप्शन हो जाए. कहाँ पे एडॉप्शन हो जाए, एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली में एडॉप्शन, मतलब इसका एडॉप्शन हो जाए कि, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, अपने फ्यूचर का मतलब ख्याल कर सके, अच्छे से पढ़ के एक एजुकेटेड पर्सन बन सके, इसीलिए वो ऐसा चाहती थी. तो इसीलिए वो एडॉप्शन का मतलब फॉर्म भरी थी. तो क्या हुआ, उसको मतलब उनको जो स्टीव जॉब्स की जो बायोलॉजिकल मदर को क्या हुआ, एक पेरेंट्स मिल गए थे
जो कि एडवोकेट था, और उनकी वाइफ, एक एडवोकेट और उनकी वाइफ मिलके स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट करने वाले थे। उनके पैदा होने से पहले ये वाली डील हुआ था, लेकिन जब पैदा हो जाते हैं, जिस दिन स्टीव जॉब्स का जन्म हो जाता है, तो वो लोग आते हैं और देखते हैं कि एक लड़का है, मतलब जो बच्चा है वो एक लड़का है। तो वो बोलते हैं कि अरे नहीं, हमें तो एक लड़की चाहिए थी, ये तो एक लड़का है, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, बोल के रिफ्यूज करके चले जाते हैं। तो रिजेक्ट करके चले जाते हैं। फिर क्या होता है, और बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो वेटिंग लिस्ट में होते हैं बच्चा मतलब अडॉप्ट करने के लिए। तो जो सेकंड मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में उनके बाद जो होते हैं उनको कॉल जाता है, रात को कॉल जाता है कि क्या आप एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हो, एक लड़का है बोल के। तो वो लोग, क्या कोई भी बच्चा नहीं होता है, तो वो लोग फट से मान जाते हैं और बोलते हैं कि या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट बोल के वो तुरंत ही चले आते हैं अडॉप्ट करने के लिए। अडॉप्शन मतलब वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए वो चले आते हैं। और क्या होता है, वो आते हैं, साइन करने वाले होते हैं, तो मतलब साइन करने वाली होती है कौन, उनकी बायोलॉजिकल मदर, जो स्टीव जॉब्स की बायोलॉजिकल मदर, वो साइन करने वाली होती है। लेकिन उनको पता चल जाता है कि वो जो पेरेंट्स हैं जो जो उनको अडॉप्ट करने के लिए आए हैं, वो लोग क्या थे, मतलब एजुकेटेड नहीं थे, एजुकेटेड मतलब ग्रेजुएट नहीं थे, मतलब जो मदर थी वो तो ग्रेजुएट नहीं थी, और जो फादर था वो तो मतलब हाई स्कूल पास भी नहीं था। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा जो है वहाँ पे अडॉप्ट हो जाए बोल के, नहीं चाहती थी, और साइन नहीं करती है, रिजेक्ट कर दे, मतलब पेपर में साइन करने के, एडॉप्शन पेपर में साइन करने से मना कर देती है उनकी बायोलॉजिकल मदर। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं उनकी बायोलॉजिकल मदर को, नहीं, हम आप प्रॉमिस करते हैं और बोलते हैं कि हम आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखेंगे और उसको हम कॉलेज भी भेजेंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई सारी जिम्मेदारी हमारी बोल के, हम जैसे भी करके उसको एजुकेटेड बनाएंगे बोल के प्रॉमिस करते हैं। तो क्या होता है, फिर फाइनली वो जो होती है उनकी जो मतलब बायोलॉजिकल मदर जो स्टीव की है, वो मान जाती है अडॉप्शन मतलब के लिए मान जाती है और साइन कर देती है पेपर में। इस तरह से उनकी जो अडॉप्शन होती है वो हो जाती है। फिर क्या होता है, वो डायरेक्टली आ जाते हैं उनके, मतलब वो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है कि नहीं किए हैं कि उनके चाइल्डहुड में वो क्या किए हैं, कैसे पढ़े, क्या क्या स्कूल लाइफ, वो डिस्क्राइब नहीं करते हैं। डायरेक्टली वो अपना कॉलेज लाइफ जो है वो स्टार्ट करते हैं, मतलब जब वो उनके एडॉप्शन होने के बाद डायरेक्टली वो उनको जब बोलते हैं, कौन सा वाला पार्ट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जब उनको 17 ईयर्स हो रहा है उतने दूर तक आ जाते हैं, मतलब जब उनको 17 साल हो रहा होता है तो वो कॉलेज जाते हैं बोल के बोल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो कॉलेज, कौन सा कॉलेज वो चुनते हैं पढ़ने के लिए, वो जो था उनका वो कॉलेज, कौन सा कॉलेज चुने थे, तभी वो बोल रहे हैं कि रीड कॉलेज। रीड कॉलेज एक अमेरिका का, वो भी एक फेमस कॉलेज है, मतलब एज एक्सपेंसिव एज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बोल के बोल रहे हैं, उसी तरह वो भी एक मतलब था एक्सपेंसिव कॉलेज था जो कि वो चूज कर लिए हैं पढ़ने के लिए। कॉलेज तो चूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ 6 महीने कॉलेज जाने के बाद भी उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता है उस कॉलेज में, उनको समझ भी नहीं आता है कि ये कॉलेज उनको किस तरह से हेल्प करेगी अपने फ्यूचर में, कुछ कुछ भी मतलब 1% भी जो उनको इंटरेस्ट नहीं था वो कॉलेज जाने में, कॉलेज की जो सब्जेक्ट थी नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ने में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। स्टीव जॉब्स को लगा कि वो अपने पेरेंट्स की जो मतलब सेविंग्स से जितने सारे पैसे थे वो सारे ऐसे ही वो बर्बाद करें, ऐसे ही खर्च करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे उनको लगा कि उसका कोई भी फ़ायदा नहीं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने की, वो बस अपने पेरेंट्स का मनी जो है वो बस वेस्ट कर रहे हैं। और वैसे भी उनके पेरेंट्स का जितना पैसा था वो सारा उस कॉलेज में इतना जो एक्सपेंसिव था उसमें खर्च हो गया। तो फाइनली वो डिसाइड कर लेते हैं 6 महीने के बाद क्या करते हैं, वो कॉलेज छोड़ देते हैं, अपना जो रीड कॉलेज में जो एडमिशन किए थे वो छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, वो जब कॉलेज छोड़ते हैं उनके पास ना रहने का ठिकाना होता है ना खाने का ठिकाना, ये वाला जो पीरियड है उनके लाइफ का सबसे मतलब पैथेटिक पीरियड, सबसे तो नहीं मतलब उस टाइम का पैथेटिक था, क्योंकि मतलब वहाँ उनका पेरेंट्स का भी मतलब साथ नहीं था उस टाइम पे। तो वो क्या करते हैं, रहने के लिए कौन सा जगह ढूंढते हैं, और उनके फ्रेंड्स लोग जो थे वो लोग एक जगह पे रहते थे, मतलब एक घर में रहते थे, तो वहाँ पे वो ढूंढ लिए जगह, लेकिन वो घर घर तो मिल गया, लेकिन वो कहाँ सोते थे उस घर में, नीचे फर्श पर, फ्लोर पे सोते थे। और खाने के लिए, खाने का इंतजाम कैसे किए, वो एक पार्ट टाइम जैसा एक जॉब ढूंढ लिए, और उसमें क्या करते, वो कौन सा वाला जॉब था, वो कोक के जो बोतल होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वाले जो बोतल होते हैं, मतलब जो पीने के बाद जो कांच का बोतल होता है उसको रिटर्न करने से उनको 5 शिलिंग मिलता था, मतलब 5 पैसे समझ लो, मतलब जो डॉलर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो मतलब सेलिंग होता है, तो वो है जैसे मनी का मतलब रुपीज का पैसे होता है वैसे। तो 5 शिलिंग उनको मिलती थी, उससे वो अपना जैसे तैसे करके खाना जो है
उसको खरीद के खा लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे। ओके, तो ऐसे खाते थे, लेकिन हर दिन ऐसा खाते थे मतलब एडजस्ट करके, लेकिन एक वीक में एक बार, हर वीक में एक बार, 7 दिन में एक बार वो जैसे भी करके, एक हरे कृष्ण टेम्पल होता था वहाँ पे, हरे कृष्ण टेम्पल में मतलब वो खाना खाने के लिए जाते थे। कैसे जाते थे? पैदल चल चल के जाते थे, अक्रॉस द टाउन, टाउन के बीचों बीच वो चल चल के जाते थे, 7 माइल चल के जाते थे। जहाँ से रहते थे वहाँ से 7 माइल दूर था वो जो टेम्पल, हरे कृष्ण टेम्पल था। तो वहाँ पे वो एक अच्छा खाना खाने के लिए, एक अच्छा सा मील खाने के लिए एक वीक में एक बार वहाँ पे जरूर जाते हैं, क्योंकि उनको वो फूड जो थी, वो खाना जो थी, बहुत अच्छा लगता था। ओके, तो कुछ दिन के बाद ऐसे ही उनका लाइफ चल रहा था, पर कुछ दिन के बाद उनको रियलाइज होता है कि उनको जो मतलब जो रीड कॉलेज वो छोड़े, उसी कॉलेज में मतलब कैलीग्राफी, एक चीज, कैलीग्राफी का मतलब आप सब लोग जानते हो कि एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग मैंने डिफरेंट टाइप का जो हैंड राइटिंग होता है ब्यूटीफुली वो सजा के लिखना होता है, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। ओके, तो वो कैलीग्राफी मतलब जो रीड कॉलेज में जो मतलब एडमिशन लिए थे, वहाँ पे क्या होता था, सारे वॉल में मतलब नोटिस बोर्ड में और हर जगह जो रीड कॉलेज का बहुत सारे मतलब वहाँ पे जो पोस्टर सारे लगा हुआ होता था, सारे जगह में ब्यूटीफुली मतलब वो कैलीग्राफ करके वो सारा प्रिंटिंग हुआ हुआ था, मतलब लिखावट सारा होता था, बहुत सारी ब्यूटीफुल कैलीग्राफी थी वो। तो वो सारा जो चीज था रीड कॉलेज का, उनको वो चीज अट्रैक्ट कर रही थी बोल के वो आज रियलाइज करते हैं इतने दिन के बाद, कॉलेज छोड़ने के बाद। और उनको फाइनली पता चलता है कि रीड कॉलेज जो है वो वर्ल्ड का मतलब बेस्ट कैलीग्राफी जो कोर्स अफोर्ड करने में बेस्ट कॉलेज था वहां पे उस टाइम पे। तो वो उनको थोड़ा पछतावा होता है कि मैं छोड़ दिया बोल के, थोड़ा मतलब हड़बड़ी में जो गड़बड़ी हो जाता है वही वाला उनको फीलिंग आया कि छोड़ दिया वो बोल के। लेकिन क्या करते हैं, वो फिर से वो कॉलेज को ड्रॉप इन करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? बस वही कोर्स जो कैलीग्राफी कोर्स सीखने के लिए जाते हैं, जैसे कि आपका एक्स्ट्रा कोर्स नहीं होता है कि कंप्यूटर कोर्स बाहर करते हो, तो बस वही कोर्स करने के लिए वो कॉलेज जाते हैं और कुछ नहीं। तो उसके लिए वो जाते हैं फिर से कॉलेज और सीख लेते हैं ये वाला उनका कैलीग्राफी जो कोर्स है वो कर लेते हैं। उसमें वो क्या-क्या सीखते हैं, कैलीग्राफी के अंदर जो होता है मतलब टाइप फेसेस, और टाइप फेसेस के जो दो टाइप्स के वो सीखे, वो सेरिफ सेंस सेरिफ बोल के जो टाइप फेसेस है वो सीखे, और क्या क्या सीखे मतलब टोपोग्राफी पूरा अच्छे से सीख लिए, और मतलब फॉन्ट साइज वो सारा मतलब जो कैलीग्राफी के अंदर जो सारा आता है मतलब वो सारा सीख लिए। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको कैसे पता चलेगा टोपोग्राफी ये सब क्या है, कैलीग्राफी एक आप कहाँ पता चलेगा आपको? देखो आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि जो नहीं होता है कि आपका एमएस वर्ड मतलब आप कंप्यूटर में यूज करते हो, आपके सारे पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं एमएस वर्ड, जब वर्ड डॉक्यूमेंट जब खोलोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, वहाँ के टाइम्स रोमन मिल जाएंगे, कैलिब्री मिल जाएंगे, और बहुत सारे जो ऑप्शन है आप देख सकते हो वो सारे मिल जाते हैं कि आप कौन से टाइप फेस में लिखना चाहते हो, कौन से लेटर साइज में लिखना चाहते हो, 1 2 3 4 बोल के बहुत सारे होते हैं, कौन से फॉन्ट्स में लिखना चाहते हो, और क्या होता है आपका बोल्ड में लिखना चाहते हो या फिर अंडरलाइन करके लिखना चाहते हो, और ऐसे इटैलिक में लिखना चाहते हो, या फिर कैसे, ये सारे जो ऑप्शंस आते हैं वो कैलीग्राफी के अंडर ही होते हैं, इसका डिजाइन है। ओके, तो वो सारा सीख लिए। टोपोग्राफी क्या होती है? द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग हाउ टेक्स्ट विल अपीयर व्हेन इट इज प्रिंटेड। ओके, टोपोग्राफी कैलीग्राफी तो आप समझ ले, टोपोग्राफी क्या होता है पहले मतलब कैलीग्राफी आप सीख लो, उसको आप जब प्रिंटिंग होगा तो वो कैसे दिखेगा मतलब उस सजाना, वो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है प्रिंटिंग होने से पहले कैसे दिखेगा वो वाला जो होता है उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। जो कि अभी आप जो भी बुक पढ़ते हो या फिर कुछ भी, उसमें कितना होता है लेटर साइज क्या है, वो कौन से लेटर में लिखा हुआ है, मतलब जैसे टाइम्स रोमन में लिखा है या कैलिब्रेरी में लिखा है, या फिर इसमें दो दो सेंटेंस के बीच में कितना स्पेस है, वर्ड्स के बीच में कितना स्पेस है, स्पेसिंग जो बोलते हो, और भी बहुत सारे होते हैं, कॉलर क्या है, वो लेटर्स का कॉलर क्या है, कौन से लेटर में है, मतलब कैपिटल में है, स्मॉल में है, इटैलिक है या फिर कैसे है, बोल्ड है, ये सारा जो होता है वो टोपोग्राफी के अंडर आता है। प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। तो वो क्या करें, वो कैलीग्राफी जो कोर्स ज्वाइन किए उसमें वो ये सारा चीज सीख लिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, ये सारा सीखने के बाद आफ्टर 10 ईयर उनको कैसे काम आया, वो सीख तो लिए, उसमें उनका प्यार आया, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको साइंस से भी बहुत सुंदर लगा वो चीज, जो कि आपको साइंस पढ़ने से भी इतना अच्छा नहीं लगेगा बोल के वो बोल रहे हैं, या ये मतलब उनके अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही थी ये वाली चीज करके उनको। तो वो क्या करते हैं, ये वाली जो उनकी मतलब सीखे कोर्स उनको कैसे हेल्पफुल हुआ, देखो 10 ईयर के बाद वो क्या करते हैं,
वो जो एक कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं। कौन सा कंप्यूटर? मैसिनो, जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी बताई हूँ, मैक कंप्यूटर जिसको आप बोलते हो, मतलब शर्ट में उसका मैक है, लेकिन इसका नाम नाम जो है MACINOTOS, मैसिनोस कंप्यूटर बोलते हैं, ये वाले कंप्यूटर बने। लेकिन इसका खासियत क्या है, इसकी खासियत क्या है? पहले तो जैसे भी, मतलब चार्ल्स बैबेज तो पहले भी बना चुके हैं कंप्यूटर, ये कौन सी नई बात है, इसमें ऐसा क्या नया था? वो जो कैलीग्राफी जो सीखी, वही वाला चीज़ को इसमें डिज़ाइन कर दिए हैं। मतलब ये कंप्यूटर जो था, वो पहले कोई भी कंप्यूटर में डिज़ाइन नहीं हुआ था, ये पहली बार हुआ कि कंप्यूटर में डिज़ाइन हुआ, जो कि मैक कंप्यूटर था, उसमें कैलीग्राफी जो है डिज़ाइन हो गया, और उसको क्या हुआ बाद में, जो आपका विंडोज जो है कॉपी कर लिया। इसीलिए आप अभी अपने सारा जो यूज करते हो पर्सनल कंप्यूटर में, आप लोग वही वाला ऑप्शन देख सकते हो। ओके, वो जो मैं आपको दिखाई स्क्रीन में, तो वही है। तो मैक कंप्यूटर बना लेते हैं। तो देखो, वो बोलते हैं कि अगर मैं रीड कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो मैं कैलीग्राफी नहीं सीखा होता, मैं कैलीग्राफी नहीं सीखा होता तो आज मैं जो मैक कंप्यूटर बना पाया वो नहीं बना पाता। और आप लोग अपने, मतलब अपने सारे पर्सनल कंप्यूटर में जो यूज करते हो, जो विंडो ने मैक से कॉपी किया, वो वाला सारा ऑप्शन कैलीग्राफी का आपको नहीं मिलता बोल के वो बोल रहे हैं। तो डॉट्स कनेक्ट्स ऐसे करते हैं कि वो कॉलेज क्यों छोड़े, कॉलेज छोड़ने का उतना उनका रीजन क्या था, वो ऐसे ही, मतलब अपने पास्ट में जाके ही आप अपने डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो। वो मैक कंप्यूटर क्यों बना पाए, क्योंकि वो कैलीग्राफी सीखे। कैलीग्राफी क्यों सीखे वो, क्योंकि वो कॉलेज छोड़ पाए, इसीलिए कॉलेज छोड़े, इसीलिए ये सारा हुआ। तो ऐसे आपको आपका रीजन मिल जाता है, आपका पास्ट में अगर आप झांकोगे तो अभी आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो सारे रीजन आप फ्यूचर में देख के आप डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, अपने पास्ट में देखिए आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो। डॉट्स कनेक्ट एक्चुअली क्या होता है, आप जो बचपन में, मतलब नर्सरी स्कूल में जो होता है, तो आपको एक मछली का पिक्चर होगा, डट 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 होगा, मतलब बस डट ही होता है, आपको कनेक्ट करके उसको मछली बनाना होता है, तो इसको डॉट्स कनेक्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे आप मतलब जो सारे घटना है आपके पास्ट का, जो इंसिडेंट है, उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, उसको डॉट्स कनेक्ट्स बोल रहे हैं। मतलब इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट जिसके वजह से आप अभी हो, अभी आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो जानने के लिए आपको आपके पास्ट में देखना होता है। वाह, तो मोरल में क्या देते हैं वो, हर स्टोरी का एक एक मोरल है, मैं आपको बोली हूँ, तो इस स्टोरी का मोरल को क्या देते हैं, यू कैंट कनेक्ट डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your guts, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. तो स्टीव जॉब्स अपने मोरल में बच्चों को, मतलब स्टूडेंट्स को, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपने पास्ट को ही देख के डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो, पास्ट को ही देख के आप देख के जान सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो पास्ट को देख के ही जान सकते हो। आप कभी भी अपने फ्यूचर में जाके डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमको हमारा फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता है। लेकिन हम अगर पास्ट को जाके देखेंगे, डॉट्स कनेक्ट करके देखेंगे कि आप अभी जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, या फिर क्यों यहाँ पे हो, तो वो संभव कहीं पे भी जाके आपके फ्यूचर में डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब अभी जो आप कर रहे हो वो सही है, कहीं ना कहीं वो आपके फ्यूचर में भी जाके उसका रीजन मतलब बन जाएगा, आप जो कर रहे हो वो भी डॉट्स में से आ जाएगा। ओके, तो फिर वो बोलते हैं कि और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने आप में बिलीव होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अगर नहीं तो आपको अपने गॉड्स पर होना चाहिए, या फिर डेस्टिनी पे होना चाहिए, या फिर अपने लाइफ में, या फिर कर्म, वॉट एवर, कुछ भी चीज़ जो आप गॉड बोलते हो, या फिर कुछ भी, किसी ना किसी चीज़ पर आपको भरोसा रखना चाहिए। मेरी ये वाली जो अप्रोच है वो मुझे हमेशा मेरे लाइफ में आगे बढ़ने को हेल्प किया है, मुझे कभी भी किसी भी मोड़ पे पीछे, मतलब पीछे मुड़ने को या फिर रुक जाने को नहीं दिया। ये वाली अप्रोच हमेशा मुझे आगे बढ़ने को, मतलब प्रोत्साहित किया है बोल के ये बोल रहे हैं, और आप भी इसे फॉलो करो बोल के वो स्टूडेंट्स लोगों को बोल रहे हैं और ये मोरल दे रहे हैं। विद दिस कंप्लीटेड। सो फ्रेंड्स, ये था आपका वीडियो ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूनिट 1 ऑफ द स्टोरी स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिस इन हिंदी। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू।